ऐसे आप दो किट ले सकते हैं लाइक 99 में, ऐसे दो किट जस्ट 99 रुपीज में 15 नेल पेंट मिल रही है लाइक। हाय गाइस, दिस इज वर्षा मेघानी, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर प्लस हॉल शेयर करने वाली हूँ। ऑफर भी बताऊंगी और उनसे मैंने काफ़ी सारा आइटम मंगवाया है। अगर मैं आपको प्राइस की बात करूँ तो अराउंड 8100 रुपीज़ का ये आइटम है और मैंने पे किया है जस्ट 297। यस, यू हर्ड इट राइट, ये इतना ज़्यादा धमाकेदार ऑफर है। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो ये वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिल जाएगी। प्लस मेरा जो मोटिव है ये वीडियो शेयर करने का, वो सिर्फ इतना है ताकि अगर आपके पास वो कूपन्स हैं तो आपको पता रहे कि कौन से प्रोडक्ट आपको परचेस करने हैं और कौन से नहीं करने, क्योंकि अगर आप एक ऑर्डर के लिए 99 पे कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उससे जितना हो सके बेनिफिट मिलना चाहिए, वरना वो भी 99 तो वेस्ट हो ही जाएंगे। सो वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो मेरे पास आप लोगों को दिखाने के लिए चार बॉक्सेज हैं जो बिल्कुल सामान से भरे हुए हैं और इसमें 8000 से भी ज़्यादा का आइटम है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे ऑर्डर करे। सो MyGlam पर एक गेम चल रहा है, पार्टी गेम, वैसे आपको नॉर्मली नहीं दिखेगा बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, सारा सामान गिरा रुक जाएगा। सो MyGlam पे एक ग्लैम पार्टी करके गेम चल रहा है, वैसे आपको वो दिखेगा नहीं बट मैं आपको एक लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा और उसको आपको खेलना पड़ता है। तो वो खेलने की वीडियो, अगर आपको नहीं पता कि लाइक कैसे खेलते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप भी वो गेम खेल पाएं और कूपन जीत पाएं। तो गेम में आपको 10 चांसेस मिलती है, उससे आप कूपन जीतते हैं। अब कूपन उसमें बहुत सारे तरीके के आते हैं बट जो मेन कूपन है वो है 400, 1500 और 3300। ये तीन कूपन बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, आपको उसमें कुछ लिमिटेड लाइक 1500 और 3300 में लिमिटेड प्रोडक्ट्स की लिस्ट मिलेगी कि आप इसमें से पिक कर लो, और 400 में कुछ अलग है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सो आइटम्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको लाइक अगर आपने 1500 का कूपन क्लेम करना है तो आपको बस 99 डिलीवरी चार्जेस देने हैं और आपको 1500 का आइटम फ्री मिल जाएगा, बस आप 99 डिलीवरी चार्जेस दे रहे हैं। मैंने दो 1500 के कूपन्स क्लेम किए हैं और दो 3300 के कूपन्स क्लेम किए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको एक 1500 वाला और दो 3300 वाला जो कूपन मैंने क्लेम किया है उसके प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी। एक 1500 वाला कूपन का जो ऑर्डर आएगा वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वो अब तक मेरे पास पहुंचा नहीं है। तब तक मैंने सोचा कि ये प्रोडक्ट्स तो मैं आपको दिखा दूं ताकि जब आप ऑर्डर करें तो आपको कोई इशू ना हो। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अगर तुतला रही हूँ तो थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि यहाँ थोड़ा सा छाला हो रहा है मेरे, सो इसीलिए। सो मेरा जो फर्स्ट पार्सल है वो है 1500 वाला और 1500 में मैंने मंगवाया था ये के प्ले का मेलन हाइलाइटर और इसमें दो शेड्स आते हैं। मैंने इसके रिव्यूज़ चेक किए, वहाँ पे मुझे कोई ढंग का रिव्यू नहीं मिला था इसीलिए मैं इसके साथ में फंस गई। आप मत फंसना क्योंकि इसका प्राइस है 645 और जो 1500 का कूपन है वो MRP पे लगता है, तो अगर ये प्रोडक्ट वैसे 200 का मिल रहा होगा तो मुझे तो इसका 645 ही काउंट होगा क्योंकि इसकी MRP पे मेरा बिल बना 1500 वाले कूपन का। सो ये कुछ इस टाइप से है, ये है MyGlam का के प्ले हाइलाइटर। इसमें वहाँ पे आपको दो शेड्स मिल जाएंगे, एक है मेलन और एक है रोज, तो ये है 01 शेड जो कुछ इस टाइप से है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बहुत ही प्यारा सा मिरर मिलता है जिसमें आपका पूरा फेस आप आराम से देख सकते हैं और अच्छा मिरर है। उसके बाद में आपको मिलता है ये गोल्डन हाइलाइटर जो बहुत ही ज़्यादा येल्लोइश हाइलाइटर है और ये फ्रेग्रेंस इतनी हल्दी जैसी क्यों आ रही है मुझे नहीं अच्छी लगी इसकी फ्रेग्रेंस। तो ये इसमें आपको दो कलर मिल जाएंगे, एक पिंक है और एक ये येल्लोइश है, येल्लो बहुत ज़्यादा येल्लो है ये। आप इसका शेड देखो, अगर आपको मैं बताऊँ तो ये ब्लेंड होने के बाद ना येल्लो टेंट छोड़ देता है, लाइक ऐसे ब्लेंड नहीं होता अच्छे से तो येल्लो टेंट छोड़ देगा। मैंने आज इसको लगा के देखा, बहुत ही ख़राब लग रहा था, लाइक एकदम नोटिस में आती है ये चीज़ कि आपने कोई येलो कलर की चीज़ लगा रखी है आपने हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे। और इसीलिए मैं शैम्पेन शेड लगाना पसंद करती हूँ जो आराम से ब्लेंड हो जाते हैं, तो ये वाला प्लस इसका दूसरा शेड मत पिक करना, वेस्ट ऑफ मनी रहेगी। नेक्स्ट आइटम मैंने जो पिक किया था वो है MyGlam की अल्टीमेट लॉन्ग स्टे मैट लिपस्टिक जो कुछ इस टाइप से है, बहुत ही प्यारी गोल्डन पैकेजिंग में है ये और इसमें मेरा शेड है UM07 गोडेस। इनकी मैं एक्सपायरी भी बताती जाऊंगी ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो कि कहीं एक्सपायर आइटम तो नहीं आ रहे। तो इसकी एक्सपायरी 2026 तक की, इसका प्राइस है 549 रुपीज़ और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है,
और ये कुछ इस टाइप से दिखता है। बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस पैकेजिंग मुझे इसकी लगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और ओपन भी बहुत आराम से हो जाता है। और इसमें आपको अराउंड 1.5 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.3 ग्राम की क्वांटिटी मिल जाती है, विच आई थिंक ठीक है। लाइक मुझे बहुत सारी, मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक्स पड़ी है, सो इतनी सारी लिपस्टिक ख़त्म नहीं हो पाती है, तो मेरे लिए तो अगर कम आता है प्रोडक्ट तो ठीक है, अगर मैं पैसा इतना नहीं दे रही हूँ तो मेरे लिए ठीक है। बट हाँ, अगर मैं इसके लिए 500-600 दूंगी तो फिर उस हिसाब से क्वांटिटी इसकी कम है। तो ये एक काफ़ी प्यारा सा न्यूट ब्राउन शेड है, ये लिपस्टिक दिखती है ना, इसके उठा लेना शेड्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ शेड्स जो है ना अच्छे अच्छे वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं और कुछ ही बस शेड्स बचे हैं। तो अगर ये दिखता है तो ये ज़रूर पिक कर लेना, मैं आपको इसका स्वैच दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये ग्लाइड हो जाएगा आपके लिप्स पे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और कलर बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं इनके स्वैचेस दे पाऊँ आपको साइड में तो आपको हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो मैं एक शॉर्ट्स में डाल दूँगी। सो ये जो है लिप्स में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, मैंने इनको लगा के देखा, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है और आराम से 5 से 6 घंटे तक स्टे करेंगे। इसमें लिखा है कि ये 12 आवर्स तक स्टे करता है, बट इतना नहीं करेगा, 5 से 6 आवर तक करेगा और उसके बाद भी एक हल्का सा टेंट आपके लिप्स पे रहेगा। सो अगर आपको ऐसे न्यूड शेड पसंद है आप ये वाला जरूर पिक करना, प्लस इसमें और भी कलर्स मिल जाएंगे पिंक वगैरह, तो ये वाली लिपस्टिक मत छोड़ना। सो 1500 की कूपन में आपको मनीष मल्होत्रा की हाई शाइन और सॉफ्ट मैट लिपस्टिक ये सारी भी मिलेंगी, बट मैंने उनके रिव्यूज़ यूट्यूब पे चेक किए तो उनके रिव्यूज़ उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लिपस्टिक्स हैं, एकदम टिंट वगैरह खास नहीं है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक ट्राई करने में तो आप कर सकते हैं, वरना आपको अगर आप 1500 में लोगे ना तब भी शायद आपको एक या दो ही मिल पाएगी, क्योंकि उसका MRP बहुत ज़्यादा है, 799 है, तो आपको 99 में बहुत कम प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, प्लस वो क्वालिटी भी आई डोंट थिंक कि अच्छी है। सो नेक्स्ट जो आइटम मैंने पिक किया था वो है MyGlam की 2 of Your Kind लॉन्ग लास्टिंग नेल इनेमल डुओ। सो ये कुछ इस टाइप से बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, इसमें मेरा शेड है पोल साइड और इसकी भी 2025 तक की एक्सपायरी है और इसका प्राइस है 295 रुपीज़। इसमें आपको ये एक लिपस्टिक का डुओ मिल जाएगा जिसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सुपर मस्त सी है, और यहाँ पे ये कुछ आपको इस टाइप से 2 नेल पेंट्स मिलेंगी जिसको आप ऐसे लगा सकते हैं। सो इनके जो कलर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इतने लाइक इनका जो शेड है वो पेस्टल कलर है, तो जो पेस्टल कलर्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं कि पिगमेंटेड हो, इनको आपको 2-3 बार लगाना पड़ता है। सो उस हिसाब से थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको पेस्टल कलर लगाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 2-3 कोट लगाने पड़ेंगे, रेस्ट ठीक है, क्वालिटी अच्छी है। और अगर आपको इस प्राइस में मिल रही है फिर तो काफ़ी अच्छा है। मैंने इसके ऑलमोस्ट शेड्स पिक करने का ट्राई किया है, अभी भी शायद 1-2 बचे होंगे क्योंकि इसके भी शेड्स मोस्ट ऑफ आउट ऑफ स्टॉक है, तो अगर आप बचा कर बैठे हैं अपने कूपन तो आप उनको रिडीम कर लो, क्योंकि ये सारे सामान के जो अच्छे अच्छे शेड्स है ना वो आउट ऑफ स्टॉक होने वाले हैं, सो जल्दी से पिक कर लेना। नेक्स्ट है मेरे पास ये 3300 का कूपन का बॉक्स, और आपको ऑर्डर प्लेस करते टाइम में ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि 3300 का कूपन है तो उसमें जितने का आपको कूपन दिखेगा उतने का ही आपको प्राइस का प्रोडक्ट ऐड करना है। अगर आप उससे थोड़ा सा भी 2-3 रुपये भी ऊपर कर दोगे तो आपको 99 एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप 10-20 रुपये 50 रुपये का कम आइटम ऐड कर रहे हैं तो चलेगा, बट ज़्यादा मत करना। सो अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने फर्स्ट 3300 के कूपन से क्या क्या मंगवाया था। सो फर्स्ट है मेरे पास में ये 2 लिपस्टिक्स, फर्स्ट है ये मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक और इसका प्राइस है 799, इसमें मेरा शेड नेम है नाइट ओरा और ये 2025 में एक्सपायर होगी। सो मनीष मल्होत्रा की जो पैकेजिंग है ना वो विदाउट एनी डाउट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट प्रोडक्ट पे काम ही नहीं करते, पूरा पैकेजिंग पे खर्चा कर देते हैं। प्रोडक्ट वो हो जाते हैं ना जैसे ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वैसा कुछ है। सो इसमें ये कुछ इस टाइप से एकदम ब्लैक क्लासी पैकेजिंग इसमें आती है, आगे आपको मनीष मल्होत्रा की ब्रांडिंग मिलेगी और यहाँ से आप शेड भी देख सकते हैं, ये छोटी सी खिड़की दे रखी है इन्होंने, और ये रहा लिक्विड लिपस्टिक इनकी। सो मैंने बहुत ही डार्क शेड मंगवाया बट स्टिल
ठीक ठाक है, ये कुछ शेड तो बहुत सुंदर है, नाइट ऑरा इसका शेड है। सो मैं जब भी लिपस्टिक मंगवाती हूँ ना, मैं दो ही शेड में जाती हूँ, लाइक एक ब्राउन या फिर मरून, क्योंकि ब्राउन मैं मेरी सिस्टर लगा लेते हैं और मरून मेरी मम्मी लगा लेती हैं। सो अगर मैं पिंक वगैरह में या फिर रेड वगैरह में जाती हूँ ना, तो वहाँ थोड़ा रिस्क हो जाता है, क्योंकि मैं नहीं लगाती हूँ, हमारे घर में कोई नहीं लगाता, तो वहाँ थोड़ा सा रह जाता है कि प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा। बट यहाँ मैंने इसीलिए मरून शेड मंगवाया। तो शेड तो देखो बहुत सुंदर है, बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही लाइक ऐसे लगता है जैसे पानी में कलर मिलाते हैं ना, तो अगर डार्क कलर मिलाएंगे तो वो पिगमेंट थोड़ा दे देगा, लाइट कलर तो बिल्कुल नहीं देगा, वैसा लगता है। तो जब आप इसको लिप्स पर लगाते हो बहुत ही ज़्यादा ये लाइट वेट लगती है, बट कहीं ना कहीं आपके लिप्स भी दिखते हैं, ऐसा लगता है कि लिप्स दिख रहे हैं, तो आपको दो तीन कोट लगाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मुझे इतना वर्दी नहीं लगा। प्लस 799 अगर आप दे रहे हैं तो देख के देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है मेरे पास में ये माया ग्लैम की परफेक्ट कर्व्स मॉइस्चराइजिंग मैट लिप क्रेयॉन, जो कुछ इस टाइप से है, एंड दिस इज अ मॉइस्चराइजिंग लिप क्रेयॉन। इसमें मेरा शेड है टेरा, इसका प्राइस है 695 रुपीज, ये 2025 में एक्सपायर होगा, तो एक्सपायरी का कोई इशू नहीं है। इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है, 3.7 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है, और इसकी जो पैकेजिंग है वो स्टैंडर्ड पैकेजिंग है, जो गोल्डन एंड वाइट आती है। ये पैकेट में से निकलने में थोड़े से नखरे करती है, इसको एक तरफ से ऐसे करना पड़ता है तब जाके निकलती है। सो ये कुछ इस टाइप से आपको क्रेयॉन में मिल जाएगी, बट ये शार्प करने वाले नहीं हैं। सो इसमें क्वांटिटी तो देखो आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, मतलब ख़त्म करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप डेली में यूज़ करते हो, सेम ही यूज़ करते हो, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, इतनी क्वांटिटी आपको इसमें मिल रही है। और ये है मेरा शेड टेरा जो आज मैंने लगाया है, बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, काफ़ी कंफर्टेबल है। बस ये है कि ये थोड़ा सा वाइट होने के कारण गंदा हो जाएगा अगर आप लगाएंगे तो इसको, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप 3300 का कूपन क्लेम कर रहे हैं तो ये वाला प्रोडक्ट आप पिक कर सकते हैं, इसमें आप शेड्स पिक कर सकते हैं, आपके काफ़ी अच्छा लगेगा। लाइक अगर आपको क्रीमी मैट लिपस्टिक्स पसंद है ना, तो एकदम परफेक्ट रहेगा। और एक शेड मैं आपको और दिखा देती हूँ, इसमें ये है कार्नेशन इनका शेड, और ये मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैंने माई ग्लैम से लिया, सॉरी स्मिटन से लिया था एक ट्रायल पॉइंट में। तो मैंने सोचा आपको शेड दिखा दूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा आएगा, तो इसको मैंने यूज़ कभी किया नहीं है। सो ये एक पिंकिश सा शेड है, तो पिंकिश शेड मैं उतना यूज़ नहीं करती। सो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस टाइप का है। सो ये इस टाइप का पिंकिश शेड है, तो अगर आपको इस टाइप के पिंक कलर पसंद है तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बाकी इसका भी पूरी क्वांटिटी पड़ी है, मैंने यूज़ नहीं किया इसको। मैं आपको ये ब्राउन वाले का एक स्वैच दिखा देती हूँ। सो ये ब्राउन वाले का स्वैच कुछ इस टाइप से। सो ये वाली लिपस्टिक्स आप चाहें, लिप क्रॉन्स चाहें तो आप पिक कर सकते हैं। सो जब आप ये कूपन क्लेम करेंगे, आपको बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मोस्टली मनीष मल्होत्रा की लिपस्टिक्स हैं जो बिल्कुल भी काम की नहीं है। एक इनकी सैटन मैट लिपस्टिक है, वो मुझे चाहिए नहीं थी, और बाकी इनकी नेल पेंट्स मिल रही थी, जिन पे मेरा दिल आ गया, और मैंने वहाँ से बहुत सारी नेल पेंट पिक किए। मैंने दूसरा जो ऑर्डर किया है 3300 का, उसमें भी बहुत सारी मंगवाई हैं। सो यहाँ मैंने ये तीन मनीष मल्होत्रा की नेल पेंट्स पिक किया है, जिसका इंडिविजुअल प्राइस ही 450 रुपीज़ है। इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सुपर्ब है। ये वाली एक है जो 2024 में एक्सपायर हो जाएगी, बाकी की एक्सपायरी 2025 तक की है, और इसमें मेरा शेड है मिडनाइट म्यूज, एंड क्या तो कलर है, जस्ट लुक एट दिस, क्या तो प्यारा सा कलर है। लगता है कि बस किसी पार्टी में जाओ, एकदम ब्लू कलर का आपका बढ़िया सा ड्रेस हो, लाइक गाउन हो, और आपने ये नेल पेंट लगा रखी हो। सो ये नेल पेंट के चक्कर में वो ब्लू गाउन लेना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लाइक ऐसा शिमरी सी है, बट इसमें बहुत ही फाइन शिमर पार्टिकल्स है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इतने मोटे मोटे कोई शिमर है, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। एक ही स्ट्रोक में आपका काम हो जाएगा, जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये कलर। आपको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में बहुत ही परफेक्ट फिनिश देगा आपको। इसमें आपको जो क्वान्टिटी मिलती है दैट इज़ वे टू मच, इसमें 12 ml की क्वान्टिटी मिलती है, तो ख़त्म तो ये होने से रही, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी इसमें जाएगी, प्लस क्वालिटी A1 है। अगर आपको 3300 के कूपन में नहीं समझ में आ रहा आपको क्या मंगवाना है, आप ये मंगवा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। नेक्स्ट है मेरे पास मनीष मल्होत्रा की 18 एंटिक, और इसका शेड नेम मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, मैं ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ। तो सो ये एक काफी अच्छा सा कलर है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, ऐसे शेड्स मेरे पास नहीं है, तो बहुत ही सुंदर सा ये कलर लगा मुझे। तो अगर आपको ऐसे कलर में इंटरेस्ट है तो आप ये वाला पिक कर सकते हैं। इसकी एक्सपायरी 2025 तक है, और MRP सेम है 450 रुपीज़ इसकी MRP है। और नेक्स्ट जो है वो है मेरे पास ये इंडिगो शेड है, इसका नेम आप
खुद से देख लो, बहुत ही अजीब सा नाम है सर ये। इसमें आपको कुछ इस टाइप का ऐसे स्काई ब्लू कलर का मिल जाएगा, इसमें आपको दो तीन शेड्स ऐसे मिल जाएंगे। तो कलर्स इनके पास एक से बढ़कर एक है। नॉर्मली आपको नेल पेंट्स में ऐसे कलर्स नहीं मिल जाएंगे जिसमें जैसे आपको इसमें मिल रहे हैं। नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं माय ग्लैम के निट लिट नेल इनेमल और ये है मैट नेल पेंट्स। और इसमें मैंने दो शेड मंगाए हैं, एक है बाय फेलिशिया और एक है कॉल इट आउट। तो इसमें भी मोस्ट ऑफ शेड आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं क्योंकि इनकी भी बड़ी डिमांड है। काफ़ी एकदम प्रॉपर मैट नेल पेंट्स है, बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाती है, लाइक आपको लगाते ही विद इन 10 सेकेंड तो ये ड्राई आउट भी हो जाती है। तो ये है बाय, इसका जो शेड है वो है बाय और ये बहुत ही सुपर स्काई ब्लू शेड है। और ये जो कॉल इट क्लाउड है वो वहाँ पे ब्राउन शेड दिखता है, बट ये आता जो है ना वो इतना ब्राउन नहीं लगता, थोड़ा सा मरूनिश काइंड का शेड है। तो इसकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। इसमें 7 ml की क्वांटिटी मिल जाती है और ईच नेल पेंट आपको 220 rupees की मिलती है। सो इसका एप्लीकेटर वगैरह काफ़ी अच्छा है, इसकी लेंथ वगैरह काफ़ी अच्छी है, ब्रश काफ़ी अच्छा है, प्लस ये पूरे कांच की बॉटल है बट बिल्कुल भी हैवी नहीं लगती। तो इसमें भी मुझे काफ़ी सारे शेड पिक करने हैं बट मोस्ट ऑफ आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो ये नेल पेंट्स मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने नेक्स्ट बॉक्स में भी यही आइटम्स मंगवाए हैं। सो नेक्स्ट में मैंने 3300 का कूपन क्लेम किया था और इसमें मैंने कोई लिपस्टिक्स नहीं मंगवाई बल्कि मनीष मल्होत्रा की 6 nail paints मंगवाई सेम। ये मुझे इतनी पसंद आई, मैं सोच रही हूँ कि अभी 2-3 coupon और मिल जाए ना मुझे 3300 वाले, तो मैं इसके सारे शेड्स मंगवा लूँ। और इस वाली वीडियो में मैं आपको स्वेचेज नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरे आप नेल देखो इतने छोटे छोटे से हैं, प्लस ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं अलग से स्वेच वीडियो बना दूंगी क्योंकि आप जब इनको ऑर्डर करते हो ना तो इतने स्वेचेस आपको नहीं मिलते हैं, प्लस समझ नहीं आता कि कौन सी कलर लें। तो इसीलिए मैं आपको कलर्स प्रॉपर दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा कलर आपको पिक करना है। सो नेक्स्ट है ये ग्लिटर राटी। सो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो जो मिडनाइट म्यूज़ था ना वो तो ले ही लेना, मतलब छोड़ना ही मत उसको, तो और ये वाला शेड भी ले लेना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा शेड है, इसको भी ज़रूर पिक करना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन शेड है, मुझे बड़ा पसंद आया सच में। और इनका एप्लीकेटर वगैरह बहुत अच्छा है, जस्ट लुक एट दिस, बहुत ही अच्छा सा गोल्डन शेड है। और जब वैसे आपको नॉर्मली ऐसी नेल पेंट्स चाहिए होती है ना बहुत महंगी पड़ती हैं सच में। और अभी तो आपको अगर मैं बताऊँ इसमें मैंने 6-8 nail paints मैंने पिक किए हैं, तो मुझे 12-13 rupees की एक नेल पेंट भी नहीं पड़ी। लाइक मैं लोकल मार्केट में भी जाऊँगी ना तो भी नॉर्मल जो एकदम घटिया से घटिया नेल पेंट भी वो मुझे 10-20 rupees में देंगे। तो यहाँ तो फिर भी मुझे एक अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। सेकेंड मेरे पास शेड है फुशिया, प्लीज़ आप खुद ही पढ़ लो, कुछ ड्रीम करके शेड है इसका। सो ये एक पिंकिश शेड है जो कुछ इस टाइप से। मेरी मम्मी को ये सारे कलर्स इतने ज़्यादा पसंद आए ना, शी वॉज लाइक योर कलर तो सारे अच्छे मंगवाए हैं। सो ये भी काफ़ी अच्छा कलर है। नेक्स्ट है मेरे पास में क्रश्ड वेलोर जो कुछ इस टाइप से है और इसके अंदर आपको ये कलर मिल जाता है। ये थोड़ा सा ऐसे पर्पलिश शेड है, सो थोड़ा सा जैसे डार्क ब्लू कलर है, तो इसमें मुझे थोड़ा फिर भी डाउट हो रहा है कि ये कैसा लगेगा क्योंकि मैंने इनको ठीक से वैसे लगा के भी नहीं देखा। मैं एक बार लगा के देखती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये मुझे ठीक ठाक लगा, लाइक अगर आपको ये कलर पसंद है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव टील टेल और ये बहुत ही एक लाइक लाइट ग्रीन शेड है जो कुछ इस टाइप से है। सो ये भी मैं मतलब ठीक ठाक लगा मुझे, इतना कोई रेकमेंड करने जैसा नहीं, बाकी मैंने इनको लगाया नहीं है ठीक से सो अभी मैं नहीं बता सकती। और नेक्स्ट है लेस शेड है इसका एक और ये बहुत ही प्यारा सा सिल्वर शेड है, इसमें कोई भी ग्लिटर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही सुंदर सा है, मतलब शिमरी है बट ग्लिटर वगैरह नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा सा ग्रे शेड है और एक ही स्ट्रोक में आपको जो तो पिगमेंट मिलती है, बहुत ही ज़्यादा मस्त है। तो ये वाला तो परचेस कर लेना, ये वाला मिडनाइट म्यूज़ और वो गोल्डन वाला, इन तीन को तो मत छोड़ना। इसमें जो लास्ट शेड है मेरे पास वो है ओपुलेंट ओशन और ये कुछ इस टाइप का शेड है। ये काफ़ी अच्छा एकदम ग्रीनिश शेड है, तो ये वाला आप पिक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इस टाइप के ग्लिटर नेल पेंट्स नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बाकी ये बहुत अच्छी है। सो इसमें भी मैंने माय ग्लैम की मैट नेल इनेमल से एक शेड लिया है और ये है क्लैप बैग जो एक येल्लो शेड है। सो ये कुछ इस टाइप से है और ये भी काफ़ी सुंदर सा शेड है, लाइक अगर आपके नेल काफ़ी बड़े हैं
तो उस हिसाब से काफी अच्छा रहेगा। और इसके साथ में मैंने ये है माय ग्लैम का टू ऑफ योर काइंड डुओ और इसका प्राइस 295 है, वो मैंने बताया। इसमें मेरा शेड है वाइन, सो ये कुछ इस टाइप का कलर है और ये भी सेम वही है कि पेस्टल कलर है, तो थोड़ा सा दो तीन कोट लगते हैं, लाइक ये वाले कोट के नहीं लगते बट इसके लाइक इस वाले कलर के नहीं लगते बट इस वाले कलर के लगते हैं क्योंकि ये लाइट कलर है। और मैं आपको शेड दिखाती जा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसा कलर आएगा। इसमें एक और शेड दिखाती हूँ। सो इसमें एक और शेड है, ये मैंने स्मिटन से लिया है एक ट्रायल पॉइंट में। इसका शेड है कॉन्फेटी पॉप और ये एक रेड और वाइट शेड है। तो इसका मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, मैंने बाकी ये नेल पेंट देखी लाइक इनका ही माय ग्लैम का और देखा, तो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2023 तक है उनका लाइक एक्सपायरी 2026 में है और इसकी एक साइड में ये एक्सपायर हो रहा है, तो इसका सीन कुछ समझ में नहीं आया मुझे कि ये कैसे एक साल में एक्सपायर हो रहा है। और ये मैंने स्मिटन से लिया है, इसका मैन्युफैक्चर भी अलग है, क्या कर रहा है मुझे कुछ गफला कर रहा है कि स्मिटन, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। एक ट्रायल पॉइंट में तो ठीक है बट स्टिल बहुत, ये इस ईयर के 12th मंथ में तो एक्सपायर भी हो जाएगा, तो दो तीन महीने ही हैं। तो मैं आपको शेड दिखा रही हूँ कि इस टाइप से शेड आएंगे। सो यहाँ ये वाला भी बॉक्स मेरा कंप्लीट होता है। सो यहाँ मेरे 1500 एंड 3300 वाले बॉक्स ख़त्म होते हैं और मैं ट्राई करूँगी कि मनीष मल्होत्रा की नेल पेंट्स के एक स्वेचेस की वीडियो डाल पाऊँ। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारे शेड्स जितने भी इनके 18 शेड्स हैं वो ट्राई कर पाऊँ तो मुझे कूपन मिल जाए, तो तब तक के लिए देखती हूँ, अगर सारे मिल जाते हैं तो सबका कर दूंगी, नहीं तो फिर जितने हैं मेरे पास उनके नेल स्वेचेस आपके साथ शेयर कर दूंगी ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे आएंगे। सो जब आप ये गेम खेलते हैं आपको 400 वाले कूपन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। एंड ये जो 400 वाले कूपन है ये MRP पर एप्लीकेबल नहीं है, ये डिस्काउंटेड प्राइस पर एप्लीकेबल है। लाइक अगर जैसे किसी प्रोडक्ट की MRP 250 है और वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में 120 रुपये में मिल रही है तो वो 120 रुपये ही काउंट होगा और उससे आप 400 का बिल बना के उसके जस्ट 99 रुपीज़ आपको डिलीवरी चार्जेस पे करना है और 400 का आइटम आपको एकदम फ्री मिल जाएगा। तो कुछ ऑफर से जो एकदम मस्त से ऑफर है और मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी नज़दीकी लोग थे जिनको मैं जानती थी उनके साथ चेक किया और सबको बोला कि ऑर्डर करो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो ऑफर है वो है ये नेल किट का। सो ये बहुत ही प्यारी नेल किट है, तो पोपेक्सो की, इसमें आपको 5 नेल पेंट्स मिलती हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 शेड हैं, एक है ड्रीमिन और एक है चिलिन। अगर आपको थोड़े से न्यूड और ऐसे पिंक ब्राउन शेड चाहिए आप ये वाला ट्राई करना, अगर आपको पेस्टल कलर चाहिए आप ये वाला तो बिल्कुल ट्राई करना, बहुत ही क्यूट सा है। तो एक बार पहले मैंने 120 रुपये की ये मंगवाई है और अभी ऑफर में ऐसी 2+ ऐसी 1 लाइक एक और आप ऐड कर सकते हैं, वो सारी मिला के आपको जस्ट 99 रुपीज में 15 नेल पेंट मिल रही है, लाइक 3 सेट मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छी डील है, आपको चाहिए ले लेना क्योंकि ऐसी डील्स फिर से आती नहीं है और 99 रुपीज में 15 नेल पेंट वो भी माय ग्लैम की, तो बेस्ट डील है। तो ये वाली आप दो पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास ये पोपेक्सो की लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ग्लैम स्क्वाड। इसमें मेरे पास अभी वैसे 3 शेड आते हैं, इसमें 2 ही हैं, तो ये आपको 99 में आपको 3 लिपस्टिक्स मिल जाएंगी। इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे एक वीडियो है, ये वाली वीडियो है, इसमें मैंने लिप स्वेचेस भी शेयर किए तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें एक पर्पल शेड है, एक पिंक शेड है, इसमें आपको एक ब्राउन रेड सा शेड मिल जाता है, तो तीनों शेड काफ़ी अच्छे हैं। इसमें मेरे यहाँ जो वेरियंट है वो है ग्लैम स्क्वाड, तो 99 में आपको 3 लिपस्टिक मिल रही है, तो बहुत बेस्ट डील है। नेक्स्ट है, अगर आपको क्रीमी मैट लिपस्टिक्स पसंद है ना तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं, ये है पोपेक्सो की पावर ट्रिप मिनी लिप किट। तो इसमें आपको 3 शेड मिल जाएंगे, लेवल अप, अटेंशन और फाइटर, बहुत ही अच्छे कलर है। इसमें रेड, पिंक और ब्राउन मरून सा शेड है, तो आप ये वाला भी पिक कर सकते हैं। ऐसे आप 2 किट ले सकते हैं लाइक 99 में ऐसे 2 किट, तो ये भी काफ़ी अच्छी डील है। सो एक शेड तो ये रहा पिंक कलर का, एक है ये ब्राउन और एक है ये रेड, तो ये अगर आपको ऐसे शेड्स पसंद है तो आप ऐसे लाइक 6 ले सकते हैं वो भी जस्ट 99 रुपीज़ में। नेक्स्ट है मेरे पास इनकी वाइप चेक आई शेडो पैलेट, इसका प्राइस है 449 रुपीज़। अगर ये आपको 400 पे मिल जाती है तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा इनके पास काफ़ी सारे कलर्ड आईलाइनर्स भी हैं जो मोस्टली 200 रुपये में मिल जाते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में, तो ऐसे आप 2 ऐड कर पाओगे। तो आपको डील बनानी पड़ेगी अपने अकॉर्डिंग, आपको अगर जो सामान चाहिए उसकी डील बना के आप 400 का कूपन ऐड करके केवल 99 रुपीज़ में वो आइटम ले सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी ऑफर्स हैं, आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। सो ये गेम खेलते कैसे हैं उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। आप मुझे बताना अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए मेरी तरफ से,
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरी आईडी है वर्षा_मेघानी19, तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। बाकी इस चीज में तो देखो कोई हेल्प नहीं कर सकता कि अगर आप गेम खेल रहे हैं आपको 1500 एंड 3300 का कूपन नहीं मिल रहा है। अगर मैं मेरी बात करूं, मैं डेली 6 से 7 आईडीज में गेम खेलती हूं तब जाके मुझे ये कूपन्स मिलते हैं, तो ट्राई तो करना पड़ेगा। अब मैं भी ट्राई कर रही हूं कि 3300 का कूपन मिल जाए, 1500 के तो फिर भी पड़े हैं मेरे पास, 3300 का नहीं है और काफ़ी लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं। आप ज़्यादा बाद उसको परचेज नहीं करोगे तो आप मल्टीपल नंबर से आप ट्राई करो गेम खेलने का, हो सकता है आपको मिल जाए, तो कंटिन्यू ट्राई करना पड़ेगा, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये जो प्रोडक्ट्स है 2-3 घंटे स्वेचेस देख के सब कुछ करके ऑर्डर करती हूँ, तो एक लाइक तो देख ही देना। आई विल मीट योर माय नेक्स्ट वन, टिल द मोबाइल स्टे सेफ स्टे हेल्दी। बाय द वे इसका सेकंड हॉल भी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।